वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शलभ माथुर के निर्देशन पर अपराध और अपराधियों पर नियंत्रण हेतु वांछित वारंटी पुरस्कार घोषित अपराधियों की गिरफ्तारी व अवैध शराब विक्रय पर प्रतिबंध लगाने हेतु अभियान चलाया गया, जिसमें कुल 34 गैर जमानतीय वारंटियों व 11 वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। इसके अतिरिक्त अवैध शराब विक्रय करने के ठिकानों पर दबिश देकर एक अभियुक्त को धारा 60 के अंतर्गत आबकारी अधिनियम में गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 10 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद किया गया। इसके साथ ही पुरस्कार घोषित अपराधियों एवं फरार अभियुक्तों के मिलने के संभावित स्थानों पर भी दबिश दी गई। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी नॉर्थ रोहित सिंह सहवाण ने बताया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में NBW के जो वांछित हैं उनका अभियान चलाया गया था गिरफ्तारी का, तो उसमें 34 जो NBW के वांछित हैं उनको गिरफ्तार किया गया और उनको न्यायालय भेजा जा रहा है। तो इसमें जो पूरा अभियान जितने भी जनपद के थाने हैं सभी के द्वारा इसमें अच्छी प्रतिभागिता की गई।